नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में ईओयू जल्द करेगी इन बातों का खुलासा। पीएम मोदी के चुनावी रोड शो के कारण पटना जंक्शन पर नहीं होगा कई ट्रेनों का ठहराव। बीएसईबी ने जारी किया एसटीटी परीक्षा का कार्यक्रम। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन मिलने में होगी देरी। प्लेऑफ में केकेआर ने बनाई अपनी जगह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में ईओयू जल्द करेगी इन बातों का खुलासा। बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण के शिक्षक बहाली परीक्षा में आर्थिक अपराध इकाई लगातार कार्रवाई कर मामले की छानबीन कर रही है। अब तक की कार्रवाई में ईओयू ने प्रश्न पत्र लीक के सरगना का खुलासा कर दिया है, जिसमें डॉक्टर शिव समेत और भी कई मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर जांच में और भी कई खुलासे जल्द ही हो सकते हैं। ईओयू ने अब तक जो छानबीन की, उसमें ये पता चला है कि कुरियर कंपनी ने कर्मियों की मिली भगत से रास्ते में ही पेपर ढोने वाले वाहन को रोककर प्रश्न पत्र को स्कैन करके लीक किया गया था, जिसमें जेनेथ और डीटीडीसी दो नामचीन कुरियर कंपनी के कर्मी मामले में शामिल थे। हालांकि ईओयू अब इस मामले में जल्द ही इस बात का खुलासा करेगी कि सरगना को कैसे ये पता चला कि पेपर को ढोने का जिम्मा किस कुरियर कंपनी को मिला है, इन गाड़ियों के गुजरने के रूट और समय की जानकारी कैसे मिली और इसके संचालन की जिम्मेदारी किसके पास थी। ऐसे कई मामलों का खुलासा जल्द ही ईओयू करने वाली है। राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन मिलने में होगी देरी। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को और शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन देने में देरी होने वाली है, इसलिए इन्हें अभी अपने वेतन के लिए इंतजार करने की जरूरत होगी। मिली जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को स्वीकृति देने की कार्रवाई करने से पहले शिक्षा विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित बजट की समीक्षा 29 मई तक की जाएगी। उसके अभी तक के वेतन जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वेतन का भुगतान अधिकतर विश्वविद्यालयों में फरवरी के महीने से नहीं किया गया है। पीएम मोदी के चुनावी रोड शो के कारण पटना जंक्शन पर नहीं होगा कई ट्रेनों का ठहराव। पटना में पीएम मोदी के चुनावी रोड शो को लेकर पटना जंक्शन पर कई ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा। ट्रेनों के ठहराव नहीं होने से यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे द्वारा सूचना जारी करते हुए बताया गया है कि 1-2-3-09 तेजस एक्सप्रेस और 1-2-3-03 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव भी पटना जंक्शन पर नहीं रहेगा। बता दें कि जिला प्रशासन पीएम मोदी के रोड शो को लेकर अलर्ट मोड पर है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक पटना जंक्शन से गुजरने वाली अधिकतर ट्रेनें डाइवर्ट रहने वाली हैं। इसके अलावा पटना जंक्शन पर 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों का ठहराव 1 दिन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस क्रम में राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली जाने वाली 1-2-3-09 तेजस एक्सप्रेस व 1-2-3-03 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को भी पटना जंक्शन पर ठहराव नहीं दिया गया है। पटना जंक्शन से सवार होने वाले यात्रियों के लिए इन दोनों ट्रेनों का ठहराव दानापुर स्टेशन पर दिया गया है। बीमित कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए श्रम संसाधन कर रहा है पहल। श्रम संसाधन विभाग द्वारा बीमित कामगारों के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है, जो कर्मचारी भविष्य निधि के तहत बीमित कामगारों को के हितों की सुरक्षा के लिए होगा। बता दें कि राज्य में 4 लाख से भी अधिक बीमित कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। बीमित कामगारों के साथ ही उनके परिजनों को भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। विभागीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि इस सोसाइटी के गठन से बीमित कामगारों के बीमार होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति और उनके परिजनों को चिकित्सा का लाभ मिलेगा। 17 चिकित्सालय और 2 आदर्श अस्पताल के माध्यम से बीमित कामगारों और उनके आश्रितों का उपचार किया जा रहा है। बीएसईबी ने जारी किया एसटीटी परीक्षा का कार्यक्रम। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कार्यक्रम को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी कर दिया गया है। 18 मई से एसटीटी प्रथम पेपर की परीक्षा शुरू होने वाली है, जो 29 मई तक चलेगी। इसके बाद 11 से 20 जून तक पेपर 2 की परीक्षा चलेगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाना है। प्रथम पाली सुबह के 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगी, तो वहीं दूसरी पाली दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक रहेगी। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, उन्हें 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। बता दें कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग के लिए पहुँचना होगा। परीक्षा में पासिंग मार्क्स सामान्य के लिए 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5
एससी एसटी दिव्यांग और महिला के लिए 40% निर्धारित किया गया है। पीएमसीएच के लिए जून से शुरू होगा पहला एलिवेटेड यूटर्न। कृष्णा घाटी कनेक्टिविटी का निर्माण किया जा रहा है ताकि जेपी गंगा पथ को अशोक राजपथ से जोड़ा जा सके। इसका एक भाग जून के पहले सप्ताह में पहले एलिवेटेड यूटर्न को पीएमसीएच के लिए शुरू किया जाएगा। उसके बाद जुलाई में कृष्णा घाट कनेक्टिविटी के शेष भाग को चालू करने की योजना तैयार की गई है। अभी वर्तमान में एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के नज़दीक गलत दिशा का इस्तेमाल करके दीघा की तरफ से आने वाले और पीएमसीएच की ओर जाने वाले गाड़ी का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल तक जा रहे हैं लोग। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 3.5 लाख रुपए उड़ाने का मामला आया सामने। दानापुर थाने में ढाबा मालिक के एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 3.5 लाख रुपए निकालने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित का नाम बर्फी राय है जो मनेर के ब्रह्मचारी का रहने वाला है। बर्फी राय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सगुना मोड़ से रुपए निकालने गया था, लेकिन इस दौरान उन्हें पता चला कि उनके खाते में महज 18 रुपए ही जमा है। बर्फी राय ने बताया कि उनके खाते में 3.5 लाख रुपए जमा थे। उन्होंने अज्ञात पर आरोप लगाया है कि किसी ने उनके एटीएम कार्ड को बदलकर रुपए निकालने की कोशिश की है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। निरीक्षण करने के अधिकारी से प्रधानाचार्य ने किया अभद्र व्यवहार, अब होगी कार्रवाई। वैशाली प्रखंड के चकदरिया उमवी के प्रधानाचार्य ने निरीक्षण करने पर प्रखंड साधन सेवी के साथ अभद्र व्यवहार किया है और निरीक्षण प्रपत्र व मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया है। इस मामले के अगले ही दिन प्रधानाचार्य ने प्रखंड संसाधन केंद्र पर अनुश्रवणकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। अब इस मामले के सामने आने के बाद प्रधानाचार्य की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मामले को लेकर प्रधानाचार्य को 13 मई तक जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण देने की बात कही है। यदि प्रधानाचार्य संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उन पर प्राथमिकी के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रधानाचार्य के 7 दिनों का वेतन काटने का निर्देश भी दिया गया है। सत्यम और योगिता ने बिहार कप सॉफ्ट टेनिस में अपनी जीत की पक्की। बिहार कप सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पाटलिपुत्र टेनिस सेंटर के प्रांगण में देखने को मिल रहा है। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन पुरुष वर्ग के ग्रुप ए में वरुण राज, सत्यम कुमार और प्रिंस भास्कर मिश्रा ने जीत दर्ज की है। वहीं ग्रुप बी में होशियार सिंह सागर ने अपने प्रतिद्वंदी का पराजित करके क्वार्टर में अपनी जगह बना ली है। महिला वर्ग की बात करें तो ग्रुप ए में मेधावी सिंह 3 मैच जीतकर सबसे आगे चल रही हैं। ग्रुप में आयुषी सिंह ने 3 और स्नेहा कुमारी 2 मैच जीतकर आगे हैं। ग्रुप सी में योगिता राज, अनुभवी भारती और साक्षी कुमारी ने अपनी जीत दर्ज की है। पटना में पीएम मोदी के चुनावी रोड शो पर लालू यादव का तंज। आज अपने चुनावी रोड शो को पीएम मोदी के रोड शो को लेकर लालू यादव का बयान सामने आया है। लालू यादव ने कहा है कि बिहार अब बुड़बक नहीं है। प्रधानमंत्री रोड शो क्या चाहे तो गली गली घूमकर नुक्कड़ नाटक कर ले। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों में रोड पर ला दिया है। वहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने एक बार फिर से चीनी मिल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 में पीएम ने कहा था कि चीनी मिल खुलवाएंगे और इसी मिल की बनी चाय भी पियेंगे। 10 साल हो गए, क्या हुआ तेरा वादा। कन्हैया कुमार पर टिप्पणी करने पर बीजेपी में ही शुरू हुआ मनोज तिवारी का विरोध। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार और बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी दोनों ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब इस चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। अब बीजेपी से मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर कुछ ही ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसका विरोध बीजेपी में ही शुरू हो चुका है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मनोज तिवारी कहार जाति को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। उनके बयान से चंद्रवंशी समाज आक्रोशित है। इस मामले को लेकर बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष और सांसद भीम सिंह ने कहा है कि मनोज तिवारी अपने प्रतिद्वंदी कन्हैया कुमार की आलोचना कर रहे हैं। कन्हैया का माखौल उड़ाने के दौरान वे कहार शब्द का इस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बिहार झारखंड के चंद्रवंशी समाज के लोग आहत हुए। पीएम मोदी के चुनावी रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सख्त। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और बम निरोधक दस्ता हर जगह तैनात है। आईपीएस से लेकर डीएसपी और थानेदार तक सभी की ड्यूटी एग्जीबिशन रोड से लेकर उद्योग भवन तक लगाई गई है। पीएम मोदी जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां पर एसपी जी की टीम ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि रविवार दोपहर 3:30 बजे से ही नेहरू पथ सहित राजधानी की कई सड़कें सील कर दी गई हैं। आज पटना में रात्रि विश्राम से पहले पीएम मोदी डिनर में मूंग दाल की खिचड़ी खाने वाले हैं।
13 मई को सुबह पीएम मोदी के रूटीन के तहत वे सुबह योग करेंगे और नींबू पानी पिएंगे। नाश्ते में उन्हें दलिया परोसा जाएगा। फिर वे पटना सिटी के गुरुद्वारा जाएंगे और मत्था टेकने के बाद वे लंगर भी चखेंगे। फिर इसके बाद वे हाजीपुर क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएंगे। कुतुबपुर में 9:30 बजे उनका स्वागत कार्यक्रम है। बिहार में चुनावी सभा करने आए खड़गे के हेलीकॉप्टर की इस वजह से हुई तलाशी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में शनिवार को चुनावी सभा संबोधित करने आए थे। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। हालांकि इस दौरान कुछ भी बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन तलाशी लेने वाले मामले पर अब कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। मामले को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अबू तमीम ने कहा है कि प्रशासन का पक्षपात पूर्ण रवैया है। अब तक सत्ता पक्ष के किसी भी नेता के हेलीकॉप्टर की तलाशी नहीं ली गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ने बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हेलीकॉप्टर की जाँच की गई थी। ये पक्षपात पूर्ण कार्य नहीं है। प्लेऑफ में केकेआर ने बनाई अपनी जगह। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। आपको बता दें कि केकेआर अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया है और इसके साथ ही केकेआर प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई हो चुकी है। बता दें कि इस सीजन में केकेआर ने 12 मैचों में से 9 मैच जीते हैं और आईपीएल 2024 में पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें कि केकेआर को गौतम गंभीर के मेंटोर के रूप में काफ़ी फायदा हुआ है। बिहार में जाने क्या है पेट्रोल और डीजल के रेट। बिहार में आज यानी 12 मई को पेट्रोल और डीजल का रेट जारी कर दिया गया है। जारी हुए रेट के मुताबिक बिहार में पेट्रोल 107.21 रुपए और डीजल की कीमत 93.92 रुपए है। राजधानी पटना में पेट्रोल 105.18 तो वहीं डीजल 92.04 रुपए है। बात करें गया की तो यहाँ पेट्रोल 106.55 रुपए और डीजल 93.32 रुपए है। दरभंगा में पेट्रोल 105.73 रुपए और डीजल 92.54 रुपए है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 105.93 रुपए और डीजल 92.72 रुपए है। भागलपुर में पेट्रोल 106.58 रुपए और डीजल 93.33 रुपए है। किशनगंज में पेट्रोल 107.30 रुपए और डीजल 94 रुपए है। मधुबनी में पेट्रोल 106.37 रुपए और डीजल 93.13 रुपए है। भोजपुर में पेट्रोल 105.83 रुपए और डीजल 92.66 रुपए है। समस्तीपुर में पेट्रोल 105.39 रुपए और डीजल 92.22 रुपए है। सिवान में पेट्रोल 106.56 रुपए और डीजल 93.33 रुपए है। पूर्णिया में पेट्रोल 106.51 रुपए और डीजल 93.27 रुपए है। वैशाली में पेट्रोल 105.25 रुपए और डीजल 92.11 रुपए है। औरंगाबाद में पेट्रोल की कीमत 106.69 रुपए और डीजल 93.45 रुपए है। बांका में पेट्रोल की कीमत 106.66 रुपए और डीजल 93.41 रुपए है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है सादुल्ला पालवी, नंद कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, रविशंकर कुमार, शिव शंकर, गोनर शर्मा, प्रतीक्षा सिंह गोस्वामी, रागिनी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज मदर्स डे के अवसर पर आप अपनी माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।